आमे बहुत एक्साइटेड अच्छु केमती सार आसिबे केमती आमे तंको पई के एक्साइटेड अच्छु एक सजा सजा हमर धूम चलची और सार आसिबे आमे बहुत खुशी अच्छु धन्यवाद आमे कहू छु मैम मोदी सार निश्चिंत एथरो को आसिबे अनिशा भांति कोटो घर तमरो भुवनेश्वर अच्छा एठी आज कोड आसछु नरेंद्र मोदी देखिया को मोदी के देखिया को कोन लिखियो कोन करिया बे होय मो बाबा कहते घर कि कल आम मोदी देखा को जीवा मोदी आसी आज रोड शो करेंगे मोदी को देखला भल लगे किए कहते आज मोदी आसो बाबा कौन कही कि मोदी आसमें जीवा किए किए सब आस मो मामा और मोर आंटी मोदी तो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही लेकिन साथ साथ देखा जाए तो जनता की भावना चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो इनके मन में वो भावना नहीं है कि मैं बीजेपी का हूँ बोल करके खाली बीजेपी को करूँगा इनके मन में जनता की भावना हमेशा थी है भी और रहेगी भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे बीजेपी के हैं मान गए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं वो बीजेपी से हैं लेकिन उनको सबसे ज्यादा अर्थ रहता है जनता की तरफ से सेवा करना नहीं उसमें फर्क ये पड़ सकता है आपने भुवनेश्वर में जैसे कि एमपी सीट है कि वो यहाँ की एमएलए सीट है उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी जरूर इतने साल हो गए आप वोट दे रहे हैं मतलब इस साल कैसा लग रहा है मैं वोट दे रहा हूं आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर आपने पूछ लिया तो मेरे ख्याल से मोर देन 65 इयर्स उड़ीसा में चेंज भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आने हैं इसके प्रभाव से वो कुछ जरूर बढ़ेंगी जरूर मान लीजिए 7 है तो 8 हो जाएंगे जरूर बढ़ेंगी इसमें दो राय नहीं है